न्यूमेरिकल है इक्वेशन ऑफ मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी, क्वेश्चन नंबर फाइव है, अ बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, जब भी इनिशियल वेलोसिटी लिखा यानी यू की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, यू की, हैज एन एक्सेलरेशन यानी ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है, यहाँ भी याद रखिए कि सेंटीमीटर में दिया है, बाद में मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकंड, यानी सेकंड लिखा यानी टाइम की वैल्यू दी है 20, ठीक है, यू की वैल्यू 10 है, टाइम की वैल्यू 20 है, एक्सेलरेशन इसमें एक्स स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ एक्सेलरेशन है, निकालना क्या है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को यू कैसे कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी कहते हैं, आपने नोट कर लिया, ठीक है भाई। हमें टाइम की वैल्यू कितनी दी है, 20 सेकंड दी है, ठीक है, यू की वैल्यू कितनी दी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है निकालनी है, और एक्सेलरेशन कितना दिया 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनमें से ये सब कोई इक्वेशन ना लगाइएगा, डायरेक्ट आप ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 10 दी है रखी है आपने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिख रहा है, हमने कर दिया था पहले ही, फिर से रिपीट करें, ए की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू क्या दी है, सॉरी ए की वैल्यू 8 दी है ना, हमने यहाँ क्या लिख दी, धोखे 12 लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन पहुँच गए, ठीक है, ए की वैल्यू 8 है, तो ए की जगह पे 8 लिखा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा होता है, टी की वैल्यू 20 है, ये लिख दिया, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कभी पहले ऐड नहीं करते हैं, बॉडी मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये बच्चे गलती कर देते हैं, तो 8 to the 16 जीरो लगा था, लगा दिया, प्लस 10 plus 160 170 हो गया, बुक में आंसर गलत आ रहा है, 170 सेंटीमीटर पर सेकंड आया, तो इसको मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करें, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज़ एमकेएस में करना होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर से मीटर में करना होगा, तो 100 से डिवाइड कर दिया इसी चीज़ को, 170 को 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, जीरो से जीरो कटा, और आपके पास आया 17/10, आपको पता है मैथ में अगर नीचे जीरो है तो एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देते हैं, यानी 1.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक, क्लियर हो गया मैम।